Hello everyone, I am extremely happy to announce this excellent result of Harmoor Kaur, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 7 ओवरऑल विद 8 इन स्पीकिंग, 7.5 इन लिसनिंग एंड 7.5 इन राइटिंग स्कोर किया है. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टू. थैंक यू सो मच हरमूर. हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू सर. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ BTS में? वेल, मेरा एक्सपीरियंस से जो मैं फर्स्ट टाइम इतने आई सी, मैं पहला आईलेट्स अटैम्प्ट कर चुकी सी, और मेरे ओवरऑल 7 आए थे, बट दो मेरे 6.5 आ गए थे. मेरी है किसी 6.7 ईच थी रिक्वायरमेंट. मैं जो इतने फर्स्ट टाइम आई, जो सारा देखा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई सी, तो मतलब टेंशन जी हो गई भी इस टाइम का. आई डोंट थिंक सो भी मैं क्लीयर कर पाऊँगा. एंड मैंने वो दिन याद है जो मैं उत्थे बैठी सी एंड मैं शिवर कर रही सी डर के मारे. एंड तुम मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करो तो वो सब तो ज़्यादा मतलब फायदा होगा. फिर वो थोड़ी जी इनकरेजमेंट आई, मेरे पेरेंट्स ने मैंने इनकरेज किया मैं कर सकती हाँ. एंड रोज़ प्रैक्टिस करना मतलब आना आना तो हैगा ही इतने, इंस्टेंट कि आप अद्धा दिन ला के चल जाइए. रोज़ प्रैक्टिस करना, 5 बजे तक इतने रहनी सी, प्रैक्टिस करती सी पीसी ते, घर जाके बाद दोबारा तो उन्होंने चीज़ों प्रैक्टिस करती सी लैपटॉप ते. जस्ट बस प्रैक्टिस आ, टीचर्स का हार्डवर्क आ. एंड मेरा एक्सपीरियंस इतने बहुत ही ज़्यादा वधिया रहा, बिकॉज मैं आप सोचा मैं डरी जरूर सा, बट बिकॉज ऑफ यू मैम मेरा डर सच्ची लगता है, वो मेरा डर नहीं सी लगना. मेरे को आज भी याद है इंटरेक्शन जब आपने कहा था मैम डर बहुत है, मैंने कहा था मेरे तैयारी पूरी है, बस डर के गलती ना बनना. yes, क्योंकि जितना ज्यादा डरे उतनी आती हुई चीजों में भी गलतियां हो जाती हैं. बस दी थिंक मतलब जो मेरा पेपर आया ना, मैं खुद कह रही हूँ भी जिड़ी आप इतने प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मतलब तुम बहुत ईजली वो पेपर कर सकते जो तीन इतने बहुत अपना मन ला के प्रैक्टिस करते. बस गल प्रैक्टिस की है, तो इतों का टैंपलेट सब कुछ बहुत ही वधिया है, जिद करके मेरे बैड आए हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. टाइम मैनेजमेंट हो गई थी बच्चे? हाँ जी मैम, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ईजली हो गई सी, क्योंकि इतने प्रैक्टिस करते सर रोज़ एक स्पेशली इतने असाइन टेस्ट से आप कदों भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप अपनी स्कोर कर सकते हैं भी कितनी आती है, तो वो करके टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वधिया. और साइंटिस्ट आई थिंक एक आइडिया भी लग जाता है कि कहां पे कितनी परफॉर्मेंस है, कहां कितना टाइम मैनेज करना है. यस मैम, ये सब तो ज्यादा फायदा है साइंटिस्ट का, उधर ना हम होर इनकरेजमेंट पेंदी है कि इथे आप लैग करते हैं तो आप इनो पेपर तो पहला ज्यादा करना. यस मैम. सर आपसे पूछते हैं, आप कितने खुश हैं? मैं भी बहुत खुश हूं जब हमारे बच्चे हमको रिस्पांस देते हैं, उसमें कामयाब हो तो हमको बहुत ज्यादा खुशी. हम तो खुशी नहीं समा रहे सर. हमें भी बहुत खुशी है कि आईएस क्लियर नहीं हुआ था, थोड़ी सी डिसहार्टेंड आई थी पीटी में कि होगा कि नहीं होगा. पर हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू. आपको भी सर बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. इनका सारा जो भगवान को जाता है बिल्कुल सर, वही कराने वाला है, करने वाले को उसके हम बहुत थैंकफुल हैं तुम्हारे लिए. क्या कहें, गॉड ब्लेस यू टुडे एंड फॉरएवर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.